सेवेंथ एंड 28th इंटरव्यूइंग नाइट में ये किश्तवाड़ में वंजर दक्षिण में ये ब्लड बस्ट हुई. नॉट ओनली दैट अथोली में भी ब्लड बस्ट हुई और मचेल का यात्रा का जो शुरू होता है उधर से भी बहुत सारे जगहों पे ये ब्लड बस्ट का इंसिडेंट हुआ. उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत सारे ब्रिजेस वॉश अवे हो गए. सो हर तरफ से हमको ये खबर आ रहा है, मैनी टूरिस्ट, मैनी पीपल, मैनी पर्संस एंड एस्पेशली हुंजर में बहुत सारे नुकसान हुए. इधर अब तक हमने 7 डेड बॉडीज रिकवरी किया और 17 लोगों को पुलिस पार्टी ने रेस्क्यू किया. ऐसा है कि सुबह 4 बजे को जब ये मैसेज मिला हमको और पुलिस पार्टी रीच्ड ऑन द स्पॉट एंड स्टार्टेड रेस्क्यूइंग. तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग अब तक 17 लोगों का रेस्क्यू हुई और 7 डेड बॉडीज भी निकल गई. वो 17 में 5 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है. सो वो 5 लोगों को मेरे दो स्टेबलाइजेशन करके 3 लोगों को हमने किश्तवाड़ डीएच के लिए हमने रवाना करवा दिया. सर टोटल कितने लोग थे? सो अभी मुताबिक से जो 19 पीपल और ये हमारा मिलना चाहिए उसका वेयर अबाउट्स. सो वी होप दैट विल रेस्क्यू देम सून. सर मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आपको कितना वक्त लगा इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा जो पुलिस पार्टी है वो 4 बजे से पहुंच गई. बट वो जब पुलिस पार्टी उधर पहुंच के काम करना शुरू किया उधर से इधर को मैसेज मिलने में हमको थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि जब भी हमको मैसेज आना चाहिए तो वापस आके करना पड़ता है. सो इंफॉर्मेशन का सो टाइम लैग है बट लेकिन जब इंसिडेंट हुआ पुलिस पार्टी ने तुरंत पहुंच गई. आई थिंक विद इन 1.5 आवर में पहुंच गए, क्योंकि वो दूर जगह है और पैदल पे जाना पड़ता है पूरा. सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टेरेन आल्सो. सो और पुलिस पार्टी टाइम पे पहुंच गई और बहुत लोगों को रेस्क्यू भी किया. सर इंसिडेंट कब हुआ, कोई टाइम इसका कुछ? देखिए ये क्लाउड बस्ट और ये रेनफॉल शुरू हुआ कल शाम को, कल रात को 8 बजे 9 बजे के बाद ही शुरू हुआ. उसके बाद अचानक 1:30 को ये रेनफॉल आ गई क्लाउड बस्ट. उसके बाद हमको अराउंड 4 बजे को हमारा पार्टी उधर पहुंच गई. सर ये क्लेम किया जा रहा है कि NDRF SDRF और आर्मी भी अरेस्ट की गई है, तो क्या वो लोग ऑपरेशन में वहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं? देखिए मौका पे जो पुलिस है वो उधर पहले पहुँच जाते और उसके बाद SDRF भी, हमारा स्टेट SDRF भी पहुँच गई और अराउंड 10 o'clock आर्मी का रेस्क्यू भी पहुँच गए, रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई मॉर्निंग. तो जो NDRF की टीम वगैरह जो वो स्टक हैं कहीं पे कि वो बाई रोड आ रही हैं? देखिए मौसम का आप देख लीजिए, मौसम मेरे पीछे भी अभी ऐसे धुंध है. सो जो भी टीम आना है बाई एयर आना है. सो अनफॉर्चुनेटली मौसम ठीक नहीं है, इसलिए वो उसका टीम टाइम पे नहीं पहुंच पाई. सर नाइट आवर्स हो रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहाँ? देखिए दोपहर को तक हमने रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू कर लिया. हमारा बेसिकली अभी ये मसला है क्या है कि जो 19 पर्संस जो अभी तक लापता है, सो वी आर वरीड अबाउट देम. सो उसके लिए सर्च चल रहा है. बट आपको पता है जब मडस्लाइड आता है, ये क्लाउड बस्ट आते हैं, पूरा इट इज़ वॉश्ड अवे. कुछ डेड बॉडीज़ को बेसिकली हमने डेब्रिस से भी निकाल दिया. सो आई होप वो 19 लोगों का पता चल जाएगी और आई प्रे गॉड दैट दे विल बी सेफ. सर इनके कोई नाम वगैरह आ गए हैं जो इंजर्ड वगैरह हैं? सर इंजर्ड वगैरह है, मैं देता हूँ. थैंक यू सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यही मैसेज है, बी सेफ. जैसे अनदर 48 आवर्स के लिए रेनफॉल प्रेडिक्शन है, 95% प्रेसिपिटेशन के लिए दे रहा है. सो यू स्टे अवे फ्रॉम द लो लाइंग एरियाज सो दैट यू विल बी सेफ. सर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन तीनों जगह एक थ्रेट बनी हुई है, चिनाब का पानी भी चढ़ा हुआ है, तो क्या कुछ डोडा और रामबन का है अपडेट अभी तक? डोडा में भी बहुत सारे ब्रिजेस वॉश अवे हो गई. सो मैं देता हूँ डेटा अगर आपको चाहिए तो, ज़बानी मैं नहीं बोल सकता हूँ. आई हैव अ डेटा.
इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद तुरंत हमारा पुलिस पार्टी उधर पहुंच गई और साथ साथ एसएसपी किश्तवाड़ ने भी हमने भेजा उधर रेस्क्यू ऑपरेशंस देखने के लिए। सो वो टाइम पे पहुंच के वो पूरा उसका लोगों को या इंजर्ड पर्सन को जो फैसिलिटीज चाहिए वो देखभाल कर रहा है और जो क्रिटिकली इंजर्ड लोग है उसको बेसिकली हमने इधर रवाना कर लिया। नॉट ओनली दैट IR बटालियंस ने भी हमने इधर मोबिलाइज करके इधर से उधर भेज दिया। सो दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड होपफुली बाय टुमारो मॉर्निंग विल कम टू अ कंक्लूजन अबाउट द मिसिंग 19 पर्सन। ओके सर, थैंक यू।